गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। बच्चों, सब्जेक्ट है आपका हिंदी फर्स्ट का, तो चलिए आप भी अपनी हिंदी फर्स्ट की पुस्तक रिमझिम निकाल लीजिए और इसमें देखिए अध्याय 17 जिसका नाम है चक्कई के चकदुम। यह एक सुंदर कविता है, तो आज हम पढ़ेंगे चक्कई के चकदुम कविता। आप भी देखिए अपनी पुस्तक में अध्याय 17। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है चक्कई के चकदुम, चक्कई के चकदुम, गाँव की मड़ैया साथ रहे हम तुम, चक्कई के चकदुम, चक्कई के चकदुम, ग्वाले की गैया दूध पिए हम तुम। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए, चक्कई के चकदुम, चक्कई के चकदुम, कागज की नैया पार करें हम तुम, चक्कई के चकदुम, चक्कई के चकदुम, फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम, चक्कई के चकदुम, चक्कई के चकदुम, खेल खत्म भैया आओ चले हम तुम। तो देखते हैं बच्चों, इस कविता में क्या वर्णन किया जा रहा है। तो यह एक खेल है चक्कई के चकदुम। हम मान सकते हैं कि जैसे यहाँ पे चित्र में दिया जा रहा है, हाथ पकड़ के एक घेरा बना हुआ है, तो ये खेल भी इसी तरह खेला जाता होगा। जैसे आप लोग रिंगा रिंगा रोजेस खेलते हैं, तो उस तरह ये खेल भी खेला जाता होगा चक्कई के चकदुम। तो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि चक्कई के चकदुम, चक्कई के चकदुम, गांव की मड़ैया साथ रहे हम तुम। तो आपने गांव में देखा होगा कि गांव में जो घर होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, झोपड़ी के रूप में घर होते हैं, तो उसमें कहा जा रहा है कि कवि कह रहा है कि साथ रहें हम तुम। हम तुम क्या है? उन झोपड़ियों में, उन मड़ैया में साथ रहें। फिर है इसमें चक्कई के चकदुम, चक्कई के चकदुम, ग्वाले की गैया दूध पिए हम तुम। फिर कहा जा रहा है चक्कई के चकदुम, चक्कई के चकदुम, ग्वाले की गैया। ग्वाला कौन होता है? जो गाय पालता है, गाय चराने ले जाते हैं, गाय की देख रेख करते हैं, वो ग्वाले होते हैं। और गैया गाय के लिए कहा जा रहा है, तो ग्वाले की गैया, गाय वालों की गैया, और दूध पिए हम तुम। और हम तुम क्या करें? मिलकर दूध पिए। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए, चक्कई के चकदुम, चक्कई के चकदुम, कागज की नैया पार करें हम तुम। तो यहाँ पर फिर कहा जा रहा है कि चक्कई के चकदुम, कागज की नैया, हम क्या करें? कागज की नैया, नैया मतलब यहाँ पे नैया नाव के लिए, नैया नाव, तो कागज़ की नैया। आप लोग कागज़ की नाव बनाते होंगे ना, तो कागज़ की नाव बनाकर हम उसे क्या करें? पानी में अपने हाथों से पार कराने की कोशिश करें, तो कागज़ की नैया पार करें हम तुम। फिर है चक्कई के चकदुम, चक्कई के चकदुम, फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम। फुलवा यहाँ पे फूल के लिए कहा जा रहा है, फुलवा फूल के लिए कहते हैं, और बगिया, बगिया हो गए, बगीचे हो गई, छोटी छोटी क्यारियाँ हो गई, तो उनसे हम क्या करें? फूल चुने हम तुम। फुलवा की बगिया, फूलों की बगिया से, फूलों के बगीचे से हम तुम फूल चुने। फिर है चक्कई के चकदुम, चक्कई के चकदुम, खेल खत्म भैया आओ चले हम तुम। और अब यहाँ पे खेल ख़त्म होने की बात की जा रही है कि अब क्या है, खेल ख़त्म हो गया बच्चों, भैया, और हम तुम क्या करें? अब हम चलते हैं, आओ चले हम तुम। तो इस तरह यहाँ पे खेल ख़त्म होने की बात की जा रही है, और फिर कहा जा रहा है कि हम तुम क्या करें, अब चलते हैं। तो इस तरह बच्चों, आज आप चक्कई के चकदुम कविता पढ़ने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ अपनी हिंदी की कॉपी में यह कविता लिखेंगे। तो चलिए आज ये कार्य आप कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।